दोस्तों आज हम इस वीडियो में क्लास सेवन्थ के पोएम जिसका टॉपिक है मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन को डील करेंगे। दोस्तों इसमें जो पोएट है वो बताते हैं कि जो फ़ैन रहता है जो हमारे घर में लगा रहता है वो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि वो आवाज़ देने लग जाता है या फिर आवाज़ करने लग जाता है जब वो चलता है। तब इसमें जो पोएट है वो बताते हैं कि जो मतलब जो आवाज़ जो करता है वो मैं समझ नहीं सकता कि वो क्या आवाज़ कर रहा है, बट मुझे लगता है कि जो भी आवाज़ कर रहा है उससे कोई मैटर नहीं है या फिर वो कोई मतलब नहीं रखता होगा। मतलब वो बताना चाह रहे हैं कि जो फ़ैन है वो बातें कर रहा है और जो बात कर रहा होगा वो कोई मतलब नहीं रखता होगा। ये तरह फिर वो एक दिन बता रहे हैं कि जो फ़ैन इसी तरह जब वो बातें करते रह गया मीन्स वो आवाज़ करते रह गया तब एक दिन किसी ने उसको ऑयल कर दिया या फिर उसमें ऑयल डाल दिया जिसके कारण उसका मोटर है वो इस तरह से साफ़ हो गया या फिर इतने अच्छे से फ्रीली चलने लग गया कि लगता है जैसे वो पानी की तरह चल रहा है। मतलब कि जो पहले जो आवाज़ करता था अब वो एकदम आवाज़ नहीं करता है और एकदम स्मूथली चलता है। दोस्तों इसमें पोएम में बताया गया है कि कैसे हमारे घर में अगर कोई पंखे में से ऐसा आवाज़ आता है तो उसकी जो घरघराहट हमें कभी कभी पसंद नहीं होती है और हमें मतलब लगता है कि कैसे इरिटेट करता है वो कभी कभी पंखा जो उसका जो वो आवाज़ होता है। इसी तरह वो बताते हैं कि जब भी पंखा उनका आवाज़ कर रहा होता है तो कैसे कोई उसमें ऑयल डाल देता है उसके बाद जो आवाज़ वो करना रहता है वो बंद हो जाता है, इस तरह उनको कंफर्टेबल फील होता है। उसके बाद वो एकदम फ्रीली और एकदम वाटर के चलने का मतलब हुआ कि एकदम स्मूथली चलने लग जाता है। दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही बताया गया कैसे हम परेशान हो जाते हैं कि मतलब आवाज़ करने वाले पंखों से। इस तरह दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं इसके अगले वीडियो में।